जब से देखा मैंने तुमको रब से चाहा बस फिर तुमको हाँ जब से देखा मैंने तुमको रब से क्या कर रही हो? चाय लेके जा रही हूँ बाहर लॉन में। आपके लिए फूल लाया। तुमने पिला दिया वो दम किया हुआ सपू? हाँ मैंने पिला दिया और उसने अपना काम भी दिखा दिया। वो अमेरिका नहीं जा रहा। नहीं कुछ भी नहीं। मेकल प्लीज। So sorry. Sorry. क्या आप ही ठीक कह रही है? शुमायला मुझे चाहती, उसकी नाकाम शादी का जिम्मेदार भी मैं ही हूं। हाँ शायद वो वाकई मुझे ही चाहती है। आपी आपी बारह बजे रात की इस टाइम कहां गई? किचन में गई होंगी। आपी आपी फूल डायरी में क्या लिखा है? मेकाल, आप ही मेकाल से? नहीं, आप ही मेकाल। अब दर्द तो नहीं हो रहा ना? शुक्रिया सिद्धार्थ का, इस बहाने आप मिलने तो आई। मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपना दरवाजा रोजाना मेरे सर पे मारा करें, इस बहाने आपसे मुलाकात ही हो जाएगी। ये दवा खा लें। ये किस लिए? दर्द चला जाएगा। इससे अच्छी दवा है आपके पास, तुम्हारे पास। सब दर्द चले जाएंगे। मैंने बाहर देखा है, कोई भी नहीं है। नहीं नहीं, वहाँ कोई था। वहम है तुम्हारा, मैं बाहर देख कर आया, कोई भी नहीं है। खामखा परेशान हो रही हो। मैं इसलिए आने से डरती हूँ, लेकिन आप जिद करते हो और मैं मजबूर हो जाती हूँ। देखना, एक ना एक दिन कोई जरूर देख लेगा। इतना डरते क्यों? अगर किसी ने देख भी लिया तो क्या, हम कुछ जुर्म तो नहीं कर रहे हैं ना?
वो तो तुम्ही ने मुझे कहा था कि नीलम के संभलने तक का इंतजार करें, वरना मैं तो तुमसे शादी करने के लिए कल ही तैयार हूँ। क्यों डरती हो ना? अपनी किस्मत पे एतबार नहीं है ना, इसलिए डरती हूँ। और मुझ पे? मुझ पे भी एतबार नहीं है। तो फिर जान लो मैं ही तुम्हारी किस्मत में हूं। अब जाओ और बेफिक्र होकर सो जाओ। बेटी यहाँ क्यों आई है? अब ये हमारे साथ ही रहेगी। मगर क्यों? क्योंकि इसके अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया है, वो अल्लाह मियाँ के पास चले गए हैं। ये क्यों नहीं अल्लाह मियाँ के पास चली जाती? बुरी बात बेटा, ऐसा नहीं बोलते हैं, ये अब तुम्हारी बाजी है। बाजी? कोई बाजी बाजी नहीं है मेरी। वाह, बड़ी चोर निकली आप। छोटे छोटे खिलौनों के बदले आपने मेरी सबसे कीमती चीज हत्या ली। मुझे बताया था सानिया ने। किस बारे में? उसी लड़के के बारे में, मनाहिल के। बात नहीं बनी ना? क्या बात है, आज तो बड़ी चुपचाप खामोशी से पीछे बैठ गई। क्यों? आप ही ने तो कहा था कि आप ही को बाद में ड्रॉप होना होता है, तो मैं पीछे बैठ जाया करूं। हाँ, मैंने कहा था, तुमने बड़े धौंस से मुझे कहा था कि वो सीट है ही तुम्हारी। हाँ, गलत कहा था मैंने, वो सीट मेरी नहीं, आप ही की। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि तुम्हारा मसला क्या है। कभी कभार तो मुझे तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आती। वैसे मेरा भी क्या मसला मुझे नहीं पता, मुझे भी कभी कभी लोगों की समझ नहीं आती है तो बहुत देर से आती है। हेलो, कैसी अम्मी? खैरियत से हूँ बेटा, तुमने आज दिन में कैसे फोन कर लिया? बस आज ऑफिस नहीं गया, घर पर ही हूँ। ऑफिस क्यों नहीं गए? तबीयत तो ठीक है?
جی جی ایسے ہی جی نہیں چاہ رہا تھا آفس جانے کو. یہ تو اچھی بات ہے. اچھی بات کیوں ہے؟ روٹین توڑنا تو اچھا ہوتا ہے نا. نہیں امی میرے لیے اچھا نہیں ہے, میرے لیے کام کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اپنی زندگی میں کسی کو شامل کر لو نا. مجھے بتایا تھا سانیہ نے. کس بارے میں؟ اسی لڑکی کے بارے میں مناہل کے. کیا ہوا؟ بات نہیں کرنی نا. نہیں تم نے سنا نہیں, تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح. امی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں خیام یہ میں کہہ رہی ہوں, کیونکہ محبت کے معاملے میں زبردستی نہیں چلتی. اپنے بس میں نہیں ہے کسی کو چاہنا, اور نہ ہی اپنے بس میں ہے کسی سے چاہے جانا. تو پھر امی میں اپنی مرضی سے کسی اور کو تو نہیں چاہ سکتا نا. آدمی کو پھر بھی کسی کا ساتھ تو چاہیے, اکیلا تو نہیں رہ سکتا. سنیا کسی شمائلا کے بارے میں بات کر رہی تھی. سنیا اپی بینا بس, شمائلا میری دوست ہے. اگر محبت کیے بغیر ہی کسی کو شریک حیات بنانا ہے تو دوست کو کیوں نہیں. سنیا کا خیال ہے کہ وہ تمہیں بہت چاہتی ہے. تمہاری زندگی میں آ جائے گی تو تمہیں اس سے محبت بھی ہو جائے گی بیٹا. ہونی ہوتی تو اب تک ہونا جاتی. یہ محبت سانچوں میں نہیں ڈھلی ہوتی بیٹا, ٹائم ٹیبل کی پابند نہیں ہوتی. کبھی ایک نظر میں ہو جاتی ہے اور کبھی یگ بیت جاتے ہیں تو نہیں ہوتی. بس تم دروازہ بند مت رکھو. یہ محبت بڑی ناز نخرے والی چیز ہے, بند دروازہ دیکھ کر لوٹ جاتی, دستک نہیں دیتی. اچھا بیٹا بعد میں بات کریں گے. دیکھ کے نہیں چل سکتی تھی. آنکھیں یا بٹن؟ آنکھیں تو نہیں ہے میرے پاس. ٹھیک ہے پھر تم ایک عدد سفید چھڑی رکھ لو. ہاں ہاں آپ تو چاہتی ہیں کہ میں بھیک مانگوں, اندھی ہو جاؤں. پاگل مذاق کر رہی ہوں. اوہ مجھے لگا شاید آپ سیریس ہیں. میں سیریس ہو کر کبھی تمہاری لیے ایسی بات کر سکتی ہوں؟ آپ ہی اپنا کچھ بھی کر سکتی ہیں, کیونکہ آپ کو سمجھنا بہت مشکل ہے. آپ کے کھانے کے دانت اور ہیں اور دکھانے کے اور. چل اس بہانے تمہیں پتا تو چلا. تو کاش مجھے سب پہلے ہی پتا چل گیا ہوتا. کیا ہوا ہے نیلم, اس طرح اتنی سیریس ہو کر تم مجھ سے کبھی مذاق نہیں کرتی؟ تو آپ سے کس نے کہا کہ میں آپ سے مذاق کر رہی ہوں؟ سر کوئی غلطی ہوئی ہے, بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے. آپ ہی ڈونٹ ٹچ, دور رہیں مجھ سے. نیلم کوئی غلطی ہوئی ہے مجھ سے, بتاؤ مجھے کیا ہوا. دور رہے مجھ سے, کہا نا ڈونٹ ٹچ می, وحشت ہوتی ہے مجھے آپ سے. ارے کیا ہو گیا؟ بڑی بہن ہے تمہاری بیٹا؟ بڑی بہن ہی کزن ہے یہ میری. نیلم مجھے بدتمیزی بہت بری لگتی ہے, معافی مانگو اس سے. ہیٹ یو. نیلم نیلم رہنے دے, جانے دیجیے اسے, شاید میرا مذاق برا لگ گیا ہوگا اسے. میں اس سے معافی مانگ لوں گی. نہیں ناہل تم کیوں معافی مانگو گی بیٹا, چھوٹی ہے وہ, اس نے تم سے بدتمیزی کی. بات ہو گئی, اتنی بدتمیزی لاڈ پیار نے بگاڑ کے رکھ دیا اسے. آؤ اچھا آؤ میرے ساتھ. اچھا
हेलो, क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं। मैं बोर हो रहा हूँ। तो मैं तरफ आ रहा हूँ, अब तुम्हें भी बोर करूँ। जल्दी तैयार हो जाओ, कहीं बाहर चलते हैं खाने के। ओके फाइन, बाय। अंकल, मैं अमेरिका जा रहा हूं। तो कह रहे थे कि तुमने इरादा तब्दील कर दिया। अंकल मुस्तकिल नहीं जा रहा, सिर्फ 2 हफ्ते के लिए जा रहा हूं। एक्चुअली मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है न्यूयॉर्क में, वहां से फिर मैं अम्मी अब्बू को मिल लूंगा एंड देन आई कम बैक, वापस आ जाऊंगा मैं। अरे चलो, ये तो अच्छी बात है। ओ, भाई मैं बताना भूल गया, मेरे पास भी एक गुड न्यूज है। कल से मैं ऑफिस रिज्यूम कर रहा हूँ, डॉक्टर ने मुझे इजाजत दे दी है। ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन अंकल देखिए प्लीज, अब आप ड्राइव ना करना शुरू कर देना, मैं आपको खुद पिक एंड ड्रॉप किया करूंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि मैं ड्राइव कर सकता हूँ। तो कल से आप हमें ड्रॉप कर रहे हैं ना? अरे अंकल को क्यों तकलीफ दे रहे हो, मैं तुम लोगों को ड्रॉप कर दिया करूंगा। नहीं, मुझे अब्बू के साथ ही जाना, मैं मिस करती हूँ अब्बू, कम अज कम मुझे ड्रॉप कर दें। अरे मैं तुम दोनों बच्चियों को ड्रॉप दे दिया करूंगा, कब तक मेकार को तकलीफ देते रहेंगे। वैसे तुम दोनों का ड्राइवर बनना तो मैं भी मिस कर रहा हूँ। क्या गलती हुई है मुझसे? मेरी किसी बात पर नाराज हो? कहा ना, कोई गलती नहीं हुई आपसे, जाए यहाँ से, क्यों मेरे पीछे पड़ी आप? कौन? मैं हूं। क्या है? क्या मैं अंदर आ सकती हूं? क्या है बोले? नीलम, तुम खाना खाकर फौरन से कमरे में आ गई, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस मेरे सर में दर्द है थोड़ा। सर में दर्द है तुम्हारे? क्यों नहीं हो सकता मेरे सर में दर्द, इंसान हूं मैं भी। नीलम, क्या गलती हुई है मुझसे? मेरी किसी बात पर नाराज हो? कहा ना, कोई गलती नहीं हुई आपसे, जाए यहां से, क्यों मेरे पीछे पड़ी आप? ठीक है, तुम फिर आराम करो, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना तुम्हें? नहीं है, आप जाए यहां से, अब जाए भी पीछे पड़ गई आप मेरे। जाए भी अब यहां से। जाएंगे भी और ये भी। आज मेरी अहमद से फिर बात हुई थी। क्या कह रहे थे? बहुत खुश था,
मेकाल अमेरिका जा रहा है ना? जाहिर है, खुश तो होंगे। भाई अकलौता बेटा है, बहुत देर बाद मुलाकात होगी। कह रहा था कि मेकाल अमेरिका आएगा तो नीलम की शादी की बात करेगा। ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। वैसे मनाहिल बड़ी है, उसकी शादी पहले होनी चाहिए। मैंने तो आपसे कहा था कि मनाहिल का रिश्ता खयाम से करा दे। पता नहीं आपकी भतीजी ने आपको क्या पट्टी पढ़ाई कि आपने इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने दिया। भाई अब लड़की राजी नहीं थी तो मैं क्या कर सकता था? वैसे तो बड़ी घुल मिल रही थी जब वो आया था। अरे भाई दोस्ती और चीज होती है, शादी करना और बात होती है। मुझे तो ये कभी समझ ही नहीं आई बात कि आखिर मनाहिल चाहती क्या है। पढ़ना चाहती है और क्या चाहती है भाई। लड़कियों को अपनी जिंदगी के फैसले करने चाहिए। ये फैसले जरूर करने चाहिए लेकिन इतनी आजाद ख्याली अच्छी नहीं होती। एक दिन आप सर पकड़ के रोएंगे। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं बिल्कुल नहीं रो, मुझे मनाहिल पे भरोसा है। और अगर ये भरोसा टूट गया तो फिर मैं टूट जाऊंगा। अरे हाँ याद आया, तुम्हारा काम तो हो गया। मेरा काम? कौन सा काम? हाँ मेरी कजन है ना सवेरा, मुझे ले गई थी सिद्दीक साहब के पास। तुम खुद गई थी? हाँ मैंने सोचा तुम इतनी परेशान हो तो मैं खुद ही हो आती हूँ। बहुत नूर है सिद्दीक साहब के चेहरे पर, बात करना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो तुमने बात की या नहीं की? की ना बाबा, उन्होंने कहा तुम्हारा काम हो जाएगा। बाकी वो लड़की मक्खन में से बाल की तरह निकल जाएगी। उसे उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा ना? तुम्हारी बला से? हाँ मगर एक बात है, सिद्दीक साहब ने कहा है 25,000 का खर्चा है। क्या 25,000? मैं कहाँ से करूँगी 25,000? तुम्हारी मर्जी है, कहीं से भी कर लो बंदोबस्त। मगर नाजिश वो तो अल्लाह वाले हैं ना, वो क्या करेंगे इतने पैसों का? और ऑलरेडी मैं 10,000 रुपए उन्हें दे चुकी हूँ। मर्जी है तुम्हारी, पैसे नहीं दोगे तो वो काम नहीं करेंगे। मगर नाजिश तुम दरख्वास्त कर सकती हो उनसे, मेरे पास 4-5 हजार उनको देने के लिए, इसे ज्यादा नहीं है। वो कोई दुकानदार थोड़ी है, और वैसे भी अल्लाह वालों की बातों से मोल तोल नहीं कर सकते। तो फिर किस लिए मांग रहे? मुझे क्या मालूम, अल्लाह वालों की बातें अल्लाह वाले ही जाने, और वैसे भी हम गुनाहगार लोग हैं। अच्छा बिस्किट तो खा लो, बहुत मजे का। खा लूंगी मैं। अरे खाओ, बहुत मजे का है। 25,000 कहाँ से करूंगी मैं 25,000? मनाहिल, मनाहिल कहाँ जा रही हो? अंदर, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है? तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? मैं आपसे क्यों भागूंगी? I don't know. मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। क्या कहना चाहते हैं? पहले मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ने जाता था, तुमसे मुलाकात हो जाती थी, क्या कम से कम तुम कमरे में आ जाती थी। अब तो मैं तुमसे अकेले मिलने के लिए तरस गया हूँ। मेकाल, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ दिनों के लिए हम एक दूसरे से दूर रहें? क्यों? आपको नीलम के रवैये से कुछ समझ नहीं आता? देखो मनाहिल, प्लीज मुझसे खुल के कहो तुम क्या कहना चाह रही हो। मुझे लगता है नीलम को पता चल गया कि शायद उसे शक हो गया। उसे कैसे पता चल सकता है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसका रवैया अजीब से अजीब तर होता जा रहा है। आइए तो मैंने भी ऑब्जर्व किया, लेकिन अच्छी बात नहीं उसको पता चल जाए,
कम से कम उसकी आस तो टूटेगी। मुझे बहुत डर लग रहा है मीकल। देखो मनाहिल, डरने की जरूरत नहीं है। तुम क्या चाहती हो? यही ना कि मैं तुमसे दूर रहूं? मैं रह लूंगा, as long as you are happy। Thank you। आपको मुबारकबाद देने के लिए फोन किया है मैंने। आर्टिकल बहुत अच्छा है आपका। मुझे आपने बताया ही नहीं कि आप इतना अच्छा लिखती। दिल तेरे नाम, दिल तेरे नाम, दिल तेरे नाम, दिल तेरे नाम। यस। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं अंदर आ सकती हूँ? कैसी हैं? प्लीज बैठे। प्लीज। और कैसी हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू। हेलो जी भाई, मेहमान आए हैं, कुछ कॉफी को पूछिए, चाय लाए। इसकी क्या जरूरत थी? खामखा तकल्लुफ किया। नहीं, तकल्लुफ ही क्या बात है। आज आप अकेली आई हैं, आपकी दोस्त नहीं आई। खैरियत? मैंने मनाहिल से कहा था लेकिन वो थोड़ा मसरूफ थी, इस वजह से नहीं आई। चलें, कोई बात नहीं। और आप कैसी हैं? मुझे अकेला देखकर आप मायूस हुए? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बताइए कैसे आना हुआ? बस वो, मैं अपने मैगजीन की पहली कॉपी आपको देने आई थी, इसमें आपकी दोस्त मनाहिल का आर्टिकल भी है। ओके। थैंक यू। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए आपको, आपने हमारी बहुत मदद की। नहीं, मैंने कोई मदद नहीं की। मनाहिल बीबी, खयाम साहब का फोन है, आपसे बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कहें? अभी राफिया आई थी आपका यूनिवर्सिटी मैगजीन लेके। ओ हाँ। आप नहीं आई उनके साथ? नहीं, मैं बिजी थी इसलिए नहीं आ सकी जी। मुझे बताया था उन्होंने, आपको मुबारकबाद देने के लिए फोन किया है मैंने। आर्टिकल बहुत अच्छा है आपका। मुझे आपने बताया ही नहीं कि आप इतना अच्छा लिखती। मैं इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ और वैसे ये पहली चीज छपी है मेरी। अच्छा, मैं लगता नहीं है, इससे पहले आज तक आपने नहीं लिखा? लिखा है लेकिन छपवाया नहीं। तो उर्दू में नहीं लिखती आप? लिखती हूँ, डायरी। डायरी लिखती हैं जी। आपको पता है, डायरी लिखने वाले अपनी जिंदगी से बहुत प्यार करते हैं, उसका एक एक लम्हा पकड़ के रखना चाहते हैं। इसलिए मैंने कभी डायरी लिखी नहीं। क्यों? आप अपनी जिंदगी से प्यार नहीं करते? जिंदगी क्या है? आपका माजी है और मैं अपनी माजी की सारी बातें भूल जाना चाहता हूँ। डायरी में लिखी हुई बातें भूली नहीं जा सकती। खैर छोड़े इन बातों को, आपकी पहली चीज कोई छपी है तो उसकी सेलिब्रेशन तो बनती है ना। अरे ये तो एक मामूली सा स्टूडेंट मैगजीन आर्टिकल है। फिर भी लंच में चलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। आप चाहें तो नीलम को साथ ले लें या राफिया को। आजकल मैं जरा बिजी हूँ। लेकिन जब आप मुनासिब समझे। मनाहिल, ये सिर्फ दोस्ताना दावत है। मैंने समझ लिया है जो मैं चाहता हूँ वो आप नहीं चाहते। तो हम दोस्त रह सकते हैं? दोस्त बाहर जाते भी हैं, घूमते भी हैं,
और साथ खाना भी खा सकते हैं। ठीक है, फिर मैं राफिया के साथ आ जाऊंगी। ग्रेट, तो मेरा फोन नंबर तो है ना आपके पास? जी। ओके ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कौन था बेटा? वो खयाम साहब का फोन था। क्या कह रहे थे? कुछ खास नहीं, इधर उधर की बातें कर रहे थे बस। शुमाइला, एक पर्सनल बात पूछूं? पूछिए। तुम्हारी शादी क्यों नहीं चली? शायद हम कंपैटिबल नहीं थे, वो बुरा आदमी नहीं था, बस हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। बहुत मोहब्बत करती थी ना तुम उससे? I'm sorry, तुम कहोगी मैं कितनी नोजी हूं। It's okay. शायद हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते थे, कोशिश बहुत की हमने कि एक दूसरे से मोहब्बत कर ही लें, लेकिन ये काम कोशिश का नहीं है। तो दोबारा नहीं सोचा? अब मैं शादी उस इंसान से करूंगी जिसे मुझसे मोहब्बत हो। तो है कोई ऐसा? अब आप वाकई नोजी हो रही हैं। I'm sorry. कोई बात नहीं, कभी कभी मैं सोचती हूँ तुम और खयाम मैं और खयाम क्या बहुत मोहब्बत करती हो ना उससे। ये बात शायद हर कोई जानता है, बस वो ही नहीं जानता जिसे जानना चाहिए। क्या उसे नहीं पता? वो बता ही नहीं करना चाहता, शायद उसके रेडार पे मैं नजर ही नहीं आती। तो तुम बताओ उसे। क्या बताऊं? दामन फैलाकर कहूं कि मुझे उसकी जरूरत है। जितनी तुम्हें उसकी जरूरत है ना शुमार, उससे कहीं ज्यादा उसे तुम्हारी जरूरत है। बहुत अकेला है मेरा भाई शुमार, बहुत अकेला। अरे आप आ गए? अरे भैया आ गया हूँ तो तुम्हें नजर आ रहा हूँ ना। ऐसे ही कहते हैं ना। अच्छा चाय पियेंगे? हाँ अच्छी सी चाय बुलवा दो। मैं नासरा से कहूँ बना दे। अच्छा सुनो, ये 2 लाख की कैश पेमेंट है, आज ही मिली है, इसे रख लो। तो ये आप घर क्यों ले आए? अरे भाई परसों किसी क्लाइंट को कैश पेमेंट करनी है, फिर बैंक से निकलवानी पड़ती, तो तुम ऐसा करो कि बेडरूम में जो अलमारी है उसके लॉकर में रख दो। अच्छा चले लगे। नीलम जी। अम्मी। बेटा जाओ, जाके नासरा को कहो अब्बा के लिए चाय बना के लेके आए। हाँ और पकौड़े भी बना ले। हाँ। आप बैठिए, चाय बनवा के लाती। क्या किताबें पढ़ती रहती है। मेरे कमरे में आएंगी ना? बिल्कुल भी नहीं। मैंने कुछ तस्वीरें दिखानी है आपको। वही लड़कियों की तस्वीर है ना, देख चुकी हूँ मैं। दिल तेरे नाम, दिल तेरे नाम, दिल तेरे नाम, दिल तेरे नाम। भाई नीलम नजर नहीं आ रही, वो कहाँ गायब है? मैंने उसे आने को कहा था, उसने कहा कि पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई? वो कब से इतनी सीरियस हो गई पढ़ाई में?
और मेकल, तुम्हारा जाने का क्या प्लान है? इनके ट्रैवल एजेंट को बता दिया है, एक आध दिन में टिकट आ जाएगी, इस हफ्ते के एंड तक चला जाऊंगा। भाई जल्दी से अपनी मीटिंग अटेंड करके अम्मा अब्बा को मिलकर वापस आ जाओ, तुम्हारे बगैर घर सूना हो जाएगा, हम तो तुम्हारे आदी हो गए। नीलम, क्या कर रही थी तू? घबराई भी क्यों? क्या हुआ है? बोलती क्यों नहीं हो? सांप क्यों सूंघ गया तुम्हें? नीलम, तुमने तुमने अलमारी में से पैसे निकाले? तुमने चोरी की? नहीं, हमने हमारी अलमारी में से हमारे पैसे निकाले? नीलम, क्या हो गया तुम्हें? चोरी तो मेरी हुई अम्मी, मैं किससे कहूं? मैं आपकी कभी इतने करीब रही नहीं कि मैं आपको कुछ बता सकूं। क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही बात। मेरी ये तरबियत है? क्यों किया ये तुमने? चलो इधर आओ, मेरे पास बैठो और बताओ मुझे क्या परेशानी है। चलो आओ इधर बैठो, बैठो इधर बैठो, मुझे बताओ क्या हुआ है। अरे हाँ मनाइल, मैंने तुम्हारा आर्टिकल देखा है स्टूडेंट मैगजीन में। भाई तुम तो बहुत अच्छा लिखती हो बेटा। थैंक यू चाचा जान। ये कौन सा आर्टिकल है, हमें भी तो पता चले। तुमने बताया नहीं मेकाल को कितना अच्छा आर्टिकल लिखा है? जी नहीं बताया। Very sweet of you. Thank you. ऐसी भी कोई खास चीज नहीं थी इसलिए नहीं बताया। सबको ही नहीं बताया कि सिर्फ मुझे ही नहीं बताया? नहीं नहीं, किसी को भी नहीं बताया, फैमिली और फ्रेंड्स को ही बताया। Of course. अंकल मैं हूँ ही कौन, एक मेहमान ही हूँ ना। अरे नहीं नहीं काल, ऐसी कोई बात नहीं है। मिनाइल का ये मतलब नहीं था। मिनाइल नीलम की तरह नहीं है, इसे घुलने मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। ऑफ कोर्स अंकल, नीलम की तो बात ही कुछ और है। She is so friendly, I really like her. क्यों किया ऐसा? मैं पूछती हूँ तुमने क्यों किया ऐसा? अम्मी मैं नहीं बता सकती आपको, मैं मजबूर हो गई थी। नीलम, मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्योंकि आपने मुझे खुद के कभी इतना करीब समझा ही नहीं अम्मी। नहीं बता सकती, ले दे के काफी रह जाती थी जिनसे मैं कुछ शेयर कर लिया करती, लेकिन ना तो वो भी नहीं। मनाहिल को पता है इस बात का? मनाहिल को, उसी को तो पता है सब, उसी की वजह से ये सब हुआ है। उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ? अरे क्या बात है, बताओ तो सही, क्या किया है मनाहिल ने? लो भाई, बातों में टाइम का पता ही नहीं लगा, मैं तो चला अपनी मौलान के पास, वैसे भी दवाई का वक्त हो गया। अरे आप कहाँ जा रही है? मेरे कमरे में आएंगी ना? बिल्कुल भी नहीं। मैंने कुछ तस्वीरें दिखानी है आपको। वही लड़कियों की तस्वीर है ना, देख चुकी हूँ मैं। हाँ लेकिन वो सारी तस्वीरें मेरे माजी की थी। But you have to admit, क्या सुहाना माजी था ना मेरा। तो फिर ठीक है, अपने माजी को अपना हाल बना ले, और वैसे भी कुछ टाइम बाद तो आप जा ही रहे हैं अमेरिका। कर रही होंगी वो लड़कियां आपका इंतजार, फिर रह लीजिएगा आप। हाँ रह तो मैं सकता था, लेकिन यहाँ पे भी तो कोई है जो मेरा इंतजार करेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी खुशफहमी। खुशफहमी नहीं है मेरी, खुशकिस्मती है। आएंगी ना? किसकी तस्वीर है?
है दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। ठीक है मगर थोड़ी देर के लिए आऊंगी, ज्यादा देर के लिए नहीं। ओके मीकाल तो एक भंवरा है। मैंने उसके कमरे में दर्जनों लड़कियों के साथ उसकी तस्वीरें देखी, इशारों इशारों में सब पे जाहिर यही करता रहा जैसे उसे मुझ में दिलचस्पी है। खयाम तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक अच्छी लड़की के आने की कमी है, वो आ जाएगी ना तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद आप ठीक कहती हैं। मैं वापस जाते ही पापा से बात करूंगा और वो फिर आपको फोन कर लेंगे। ठीक है मैं उनकी कॉल का इंतजार करूंगा। ओह माय गॉड ये क्या है? हम मीकाल को जैसा समझते थे वो वैसा नहीं। मगर इसमें तो मनाहिल की तस्वीरें भी हैं।